हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ हैवी ऑयलिंग विथ कॉमिंग। अब हैवी ऑयलिंग का मीनिंग ये नहीं होता है कि मैं कोई चैलेंज वीडियो बना रही हूँ 300 ml 200 ml, क्योंकि मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका अफसोस हो चुका है। और जब मैंने किया ना, इतने मेरे हेयर टूटे ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं यही बोलूँगी कि आप भी ट्राई ना करो, क्योंकि ट्राई करोगे उसके बाद आपको अफसोस ही होने वाला है। तो मैं जो हैवी ऑयलिंग बता रही हूँ वो आपके हेयर के लिए अच्छा होगा, तो मैं वही हैवी ऑयलिंग बताने वाली हूँ। कोई चैलेंज वीडियो नहीं बना रही हूँ 300 200 ml का। और जिसको देखना है कि मुझे किस वीडियो के बाद बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा टूटे, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाने वाला है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हैवी ऑयलिंग करना, और साथ साथ आपको कॉमिंग भी करके दिखाने वाली हूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक कोकोनट ऑयल का बोतल है, इसके अंदर सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल नहीं है। मैं सरसों का तेल हमेशा अपने वीडियो पे रिकमेंड करती हूँ कि सरसों का तेल ही आप यूज़ किया करो। तो जब नारियल के तेल ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें स्टोर कर दिया, क्योंकि इसे अच्छे से आप निकालने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि जो क्योंकि सरसों का तेल जो हम मंगाते हैं वो उसमें एक डब्बे के साथ नहीं आता है, तो अच्छा आता है बहुत सारे, लेकिन मैं जो मंगाती हूँ डब्बे में नहीं आता है, तो इसकी वजह से किसी डब्बे पर स्टोर करके रखना पड़ता है। तो गाइस, अब इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम ले लेंगे सरसों का तेल और हम लगाना शुरू करेंगे एक साइड में। हमेशा जब लगाओ तो इस तरीके हाथों को करना, पॉम की तरह इस तरह से चलाओगे तो अंदर अंदर ऑयल बहुत ही अच्छे से जाते हैं और मसाज भी होता है साथ ही साथ। और आप याद रखना कि ऑयल लगाने से ज़्यादा मसाज करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो चलो इसको हम मसाज वीडियो भी बना लेते हैं, कि ये हैवी ऑयलिंग के साथ मसाज एंड कॉमिंग सब वीडियो हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना है। तो ये आप करोगे तो आपकी मसाज ही बहुत हो जाती है, क्योंकि ऑयलिंग करना ही काफ़ी नहीं होता, उसको मसाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ऑयल आप लेते रहो और यहाँ पे जब तक आपकी थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए तब तक आप इसको यहाँ पे ऑयलिंग करते रहो। इससे आपको बहुत ही आपके जो सेल्स होती है उसमें बहुत ही आराम मिलता है और आपके हेयर के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ तभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में ऑयलिंग करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो आप ऑयलिंग हमेशा किया करो, ऑयलिंग स्किप नहीं करना, विंटर सीजन है, ठीक है। तो देख सकते हो अब इधर हम जड़ों पे कर रहे हैं, अभी मैं पहले जड़ों पे ही कर रही हूँ। ऑयलिंग ऐसे करो कि ऑयलिंग करने के बाद भी आप अच्छे दिखो, तो इस तरह से ही ऑयलिंग करना। तो इसलिए वरना बहुत लोग ऑयलिंग ऐसे कर लेते जो कि आपकी स्किन को भी ख़राब कर देती है और बह बह के, तो इस टाइप में नहीं करना। ऐसे करना है कि आपकी ऑयल बिल्कुल बहे ना आपकी स्किन पे, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाएगी तो बिल्कुल भी आपके हेयर तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे लेकिन स्किन ख़राब हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना। तो जब भी आप हैवी ऑयलिंग करो तो ये ज़रूर याद रखो कि अपने जो जड़ों पर थोड़े से अच्छे से मसाज करके ऑयलिंग लगाओ, ना कि सिर्फ ढाल लो। तो देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ऑयलिंग कितनी हो चुकी है लगभग। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पीछे साइड, क्योंकि हर जगह पे ऑयल लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आई थिंक आप कैमरा में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से हाथ को कर लेना है और That's it. अब इधर साइड में हम करेंगे। इस तरह से करोगे तो आपके हेयर भी बहुत ही ज्यादा कम झड़ेंगे। और आप ऐसे ऐसे करके हेयर मतलब ऑयलिंग लगाओगे ना तो कभी भी आपके हेयर नहीं झड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आपके हेयर 100% झड़ेंगे। और इस तरीके से आपको मैं दिखाऊंगी कि हेयर की मात्रा कितनी कम हो जाएगी, झड़ेंगी कितनी कम मात्रा में। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो जड़ों में है वहां पर ऑयलिंग हो चुकी है, थोड़ा और लगा लेते क्योंकि हम कर रहे हैं हैवी ऑयलिंग। जड़ों पर लगाना बहुत ही जरूरी है। देख सकते हो गया। अब हम अपने हेयर पे जो हमारे नीचे की जो हेयर है उस पर हम ऑयलिंग करेंगे। जड़ों पे मेरी ऑयलिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है, आप देख सकते हो जहाँ मैं फाड़ूंगी वहाँ पे मेरी ऑयलिंग पूरी तरह से हो चुकी है। आपको लाइट कर रही होगी, जब ऑयलिंग करते हो ना तो थोड़ी सी मगन लगती है, यही सिंपल है क्या ऑयलिंग हो चुकी है। तो अब हम अपने हेयर पे करेंगे नीचे के।
नीचे के जो होते हैं एंड पॉइंट ना, वहाँ पे ऑयलिंग अच्छे से करना चाहिए। जितना आपको जड़ों में मेहनत करने की जरूरत है उतना ही नीचे करने की जरूरत है, क्योंकि शरीर आपको इसको पोषित नहीं करता है, शरीर बिल्कुल पोषित नहीं करता है, इसके ब्लड सर्कुलेशन इसको कुछ नहीं मिलता है, तो इसको हमें पोषित करना पड़ता है, इसलिए इसमें ऑयलिंग अच्छे से कराना है। देखिए ठीक है, अब मैं इसको 2-3 घंटे वॉश करूंगी, इसलिए मैं इतना हैवी ऑयलिंग कर रही हूँ। यदि मैं 2-3 दिन रखना पड़ता तो मैं इतनी क्वांटिटी में ऑयलिंग नहीं करती, मैं कम ऑयल में ही अच्छे से मसाज और करके अच्छे से बांध के रहती। देख सकते हो ये पूरी लैंड पॉइंट में अच्छे से ऑयलिंग हो गई है और मेरी हेयर में भी बहुत अच्छे से ऑयलिंग हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा कैमरा में कि चारों तरफ से मेरी ऑयलिंग हो चुकी है, आपको पीछे आगे सब तरफ से दिखा रही है। अब हम बैक पीछे करके अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे, सॉरी। उसके बाद हम इस तरह से हाथ को कॉम ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम रखने से क्या होता है कि बाल झड़ते नहीं है। मैं बार बार बताती हूँ इस तरह से रखना है और इस तरीके से आपको 2-3 बार कर लेनी है। इससे आपके जहां जहां नहीं भी ऑयल गया है ना वो भी चले जाएंगे इस तरीके से करने से, और आपको बहुत ही आराम महसूस होता है। बिल्कुल जो आपके हेडेक टाइप में लग रही होगी ना वो भी आपको आराम दे देता है। तो इस तरीके से करके इस तरीके से करो, दैट्स इट, दैट्स इट। पूरी अच्छे से हो चुकी है, इसको आपको कर लेना है। और एक साइड है फिर हेयर को करके अच्छे से आप देख लेना कि पीछे पूरी अच्छे से हो चुकी है कि नहीं, तो आप ऐसे ऐसे करके थोड़े अच्छे से कर लेना, जिससे कि आपके हेयर में पूरी तरह से ऑयलिंग मेरी तो हो चुकी है। आप देख सकते हो पूरी तरह से मेरी ऑयलिंग हो चुकी है, जड़ों तक पूरी अच्छे से मसाज भी मेरी हो गई है, मुझे बहुत ही आराम महसूस हो रहा है। तो दैट्स इट गाइस, आप देख सकते हो कि मेरी ऑयलिंग, हैवी ऑयलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने बोला था कि हैवी ऑयलिंग करेंगे, मसाज करेंगे और साथ ही साथ कॉमिंग करेंगे, तो हैवी ऑयलिंग हो गई, मसाज हो गई, अब बची है कॉमिंग। तो हमने कॉम ले लिया है कॉमिंग के लिए, तो मैं यहाँ ले रही हूँ बड़े दाद वाले कॉम। बड़े दाद वाले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर है और इससे बाल कम झड़ते हैं, तो आपके भी लॉन्ग हेयर है तो आप बड़े दाद वाले ही कॉम यूज़ किया करो। तो चलो कॉम करते हैं। अब जब ऑयलिंग करते हो उसके पहले भी एक बार कॉम जरूर कर लेना, इससे भी आपके हेयर बहुत ही कम झड़ेंगे। यदि आप कॉम नहीं करोगे तो आपके गुंथ लगे रहेंगे, और गुंथ में आप हैवी ऑयलिंग करोगे तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में झड़ेंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप हैवी ऑयलिंग कर रहे हो तो आपने कॉम जरूर कर लेना कि अच्छे से बाल मेरे इधर उधर उलझ रहे हैं। That's it. मेरी कॉम हो चुकी है, मैं पीछे भी थोड़ी कॉम कर लेती हूँ। मैं 2 भाग करके आपको दिखा देती हूँ, तो देख सकते हो मेरी कॉम लगभग हो चुकी है। जितने भी ऑयल के बाद थोड़े से गुंथ लग जाते हैं तो वो भी मैंने हटा दिया है कॉम से। That's it. आप देख सकते हो मेरी कॉम हो चुकी है अच्छे से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमरे में, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे कॉम में बिल्कुल भी हेयर नहीं है। तो क्योंकि इसमें हेयर नहीं झड़ते क्योंकि मैंने कॉम करके ही किया था ऑयलिंग करना, इसी वजह से मेरे तभी गुंथ मैंने हटा दी थी। तो इसी वजह से गुंथ लगने ना दो अपने हेयर को, ये हमेशा याद रखना गाइस। तो दैट्स इट, मैंने बोला था जितना मैंने कि हैवी ऑयलिंग, मसाज और कॉमिंग करेंगे तो सब हो चुकी है। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मैं अपने चैनल पर हेल्थ स्किन हेयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लाते रहती हूँ, तो चाहिए तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि और भी ऑयलिंग वीडियो आप देखना चाहते हो या नहीं। थैंक यू।